हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आलू ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें मैं कुछ स्पेशल तरीके से बनाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके लिए मैंने आलू और ड्रमस्टिक को लिया है, दोनों को पील करके कट कर लिया है। इस सब्ज़ी के लिए ना आप आलू को इस टाइप से राउंड शेप में कट करें। उसके बाद मैंने ये खड़ा धनिया, राई, मस्टर्ड सीड और जीरा, इनको क्या 10 से 20 मिनट्स के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी जिसमें मैंने डाला है आधे गिलास करीब पानी। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो मैंने वॉश किए हुए ड्रमस्टिक्स एंड पटेटोज को कढ़ाई में डाल दिया है। इन्हें हमें 20 से 25% पकाना है पानी में। आई नो आप सोच रहे होंगे कि पानी में सब्जी डाल दी बघारने के लिए, ये कैसी सब्जी है, बट प्लीज़ आप एंड तक देखिए और इस टाइप से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिटरली ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है और ये उड़िया में बनाई जाती है, उड़ीसा में बनाई जाती है, एक उड़िया रेसिपी है। आप इस तरीके से इनको पकाइए, गलाइए। आप क्या इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे लाइक हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर, ये हमने डाल दिए हैं। और देखिए पानी में भी अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। ये देखिए कलर कितना अच्छा लगने लगा है। अभी इसे पकते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं और हमने डाला इसमें सॉल्ट जिसमें ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसमें हमारे ड्रमस्टिक्स एंड पटेटोज अच्छे से वॉश सॉफ्ट हो जाएं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने डाला है 2 स्पून करीब सरसों का तेल। जी हाँ, आप इसमें सरसों का ऑयल का ही छोंक लगाएं तभी इस सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। जैसे आपका गर्म होने लगे तेल, इसमें मेथी का बघार ज़रूर लगाएं, मेथी, राई और जीरे, ये जैसे ही चटकना स्टार्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग और जो हमने फुलो के रखी थी मेथी, वो राई एंड जीरे और आपका खड़ा धना, उनको हमने अच्छे से पीस लिया है और उसको मसाले को डाल देंगे। ये देखिए इसे पकते पकते 7 से 8 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम में और ये 20 से 25% पक चुके हैं। अब हमने जो था आलू और ड्रमस्टिक्स वो सारे हम इसमें डाल देंगे विथ मसाला पूरा, जिसमें थोड़ा सा पानी भी बचा था हम उसे भी डाल देंगे। उसके अलावा इसमें हम आधे गिलास पानी और डालेंगे, वो हम डालेंगे गर्म करके। जी हाँ, और देखिए इसे अब अच्छी तरह से पकाएंगे। अब मैंने डाला है जिंजर का पेस्ट, आप जिंजर को कट करके या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे आलू पहले से ही हमने 25% पका लिए थे, अब गैस की फ्लेम को स्लो करके बाकी 75% हम इसमें पकाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्जी पक रही है। अब हम लगा देंगे इसकी लिड और ये देखिए 2 मिनट बाद हम देखेंगे जो पानी है वो सूख गया है। अब मैंने डाले हैं इसमें ग्रीन चिली 2, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रीन चिली और रेड चिली को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक होनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और ये सब्जी थोड़ी थिक ही होती है वहाँ जो उड़ीसा में खाई जाती है आलू एंड ड्रम स्टिक की सब्जी। ये देखिए पूरा पानी सूख चुका है, मसाला भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और तेल पूरा सब्जी ने छोड़ दिया है जितना भी हमने तेल डाला था, और काफ़ी टेस्टी लग रही है सब्जी हमारी बन के तैयार है। दैट्स इट। ये देखिए हम एक आलू को चेक करके देखेंगे अब कि हमारे आलू पक गए हैं कि नहीं पके हैं। ये देखिए आलू हमारे पक चुके हैं, मीन्स हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसे सर्व करेंगे, आप इसे चपाती, पराठे या पूड़ी के साथ खाएं, काफ़ी टेस्टी लगेगी। एंड हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।